all of you. Welcome, welcome my video. और आज मैं इस वीडियो में बात करूँगा शेयर मार्केट की. तो शेयर मार्केट में एक चीज़ आपने सुनी होगी, IPO. ये IPO क्या होता है? तो मैं इस IPO की आज बात करूँगा. तो बेसिकली IPO जो है उसका फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म होता है इनिशियली पब्लिक ऑफर. इट मींस कि इनिशियली मतलब इनिशियल है, स्टार्टिंग है, पब्लिक के लिए है ऑफर. कुछ ऑफर है, कुछ डिस्काउंट मिलने वाला है. कैसा होता है ये डिस्काउंट, ये जानते हैं. तो डिस्काउंट की मैं अगर आपको बात करूं तो आपको उसको समझना पड़ेगा. मैं आपको समझाता हूं एक एग्जांपल से. जैसे कि आपकी दुकान है, आपकी एक दुकान है या आपकी एक इंडस्ट्री है या एक कंपनी है. आपने क्या सोचा है अब कि मैं मेरी उस दुकान को बहुत बड़ा करूं, इतना बड़ा करूं कि पूरे इंडिया में फैला दूं या कुछ नए बिजनेस को स्टार्ट करूं? अब सर, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसा तो चाहिए, कैपिटल तो चाहिए. अब कैपिटल लेने के दो चार तरीके अपने को पता है. पहला तरीका क्या होता है सर, कि या तो हम किसी से उधार ले लें, पर इतना अमाउंट आप उधार कैसे लेंगे, या हम पार्टनर बना लें. सर पार्टनर बना भी लोगे तो कितने पार्टनर बनाओगे, ट्रस्ट कहाँ से लाओगे, या बैंक से लोन ले लें. बैंक इतना लोन क्यों देगा आपको? तो ये सब सारी चीज़ें होती है. तो फिर लास्ट में एक चीज़ आती है कि हम मार्केट से पैसा लेते हैं, इस पब्लिक से पैसा लेते हैं. वो कैसे लेते हैं? वो दुकानदार, वो कंपनी वाला कहाँ जाता है? सेबी के पास. सेबी क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो वहाँ जाता है. वहाँ जाने के बाद वो दुकानदार, मान लेते हैं कोई कंपनी थी ABC, ABC कंपनी वाला सेबी के पास गया और सेबी को जाके बताता है मुझे इतने कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, लाइक आपको 500 करोड़ की रिक्वायरमेंट है. तो सेबी पहले अपने गाइडलाइन, अपने नॉर्म्स के अकॉर्डिंग उस कंपनी को देखती है, उस प्रोफाइल को देखती है कि जिस तरीके की वो कंपनी है ओरिजिनलिटी में वो वैसी कंपनी है या नहीं है, या अगर वो नहीं होती है तो वो उसका जो प्रपोज़ल आया है, जो पहले प्रपोज़ल आता है, वो जो प्रपोज़ल आता है उस प्रपोज़ल को हटा देती, मना कर देती. अगर वो कंपनी उन नॉर्म्स, उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हैं तो उसको परमिशन मिलती है कि ठीक है, आप अपने शेयर मार्केट में निकाल सकते हो. अब हमें बताओ कैसे निकालोगे, क्या स्ट्रक्चर रहेगा. तो अपना स्ट्रक्चर निकालता है. जैसे मैंने बताया कि 500 करोड़ थे, तो अपने बहुत सारे शेयर निकालता है कि पब्लिक से पैसा उठाने के लिए. तो जब अपने वो शेयर्स निकालते हैं शुरू शुरू में, तो उसका एक बैंड डिसाइड करते हैं. बैंड मीन्स सेबी ने बोल रखा है 15,000 का इशू होता है, मतलब 15,000 एक पर्सन को लगाने हैं. तो 15,000 के अकॉर्डिंग कितने शेयर निकालने. अब वो अपने मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग उन शेयर की प्राइस रखता है. इसी वजह से किसी कंपनी के शेयर का प्राइस IPO में 5 रुपये होता है, किसी का 1,000 रुपये होता है. तो जब वो निकाल लेता है, निकालने के बाद 15,000 में डिवाइड हो जाता है कि इतने शेयर की क्वांटिटी बन रही है. एग्जाम्पल लेते हैं, 1,000 का एक शेयर है तो टोटल कितने शेयर हो गए? 15 शेयर हो गए आपके पास. तो 15 शेयर हो गए 15,000, क्योंकि 15,000 ही लगाने होते हैं IPO में. अब क्या होता है, जब आप ये लगा देते हैं, जब ये परमिशन मिल गई उसको कि ठीक है तुम निकाल दो, तो वो पर शेयर कुछ डिस्काउंट देती है, इसलिए ऑफर बोलते हैं. इट मींस वो प्राइमरी मार्केट है. वो प्राइमरी मार्केट है जब आप मार्केट में नहीं हो, और इसलिए आप ऑफर निकाल रहे हो कि आपके शेयर लें. जैसे आपने देखा है कि कोई भी दुकान नहीं खुलती है तो वो पहले ऑफर देता है, डिस्काउंट देता है, ताकि कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके. तो जब ये दे देता है, ऑफर दिया उसने, तो शेयर के प्राइस कम रखने पड़ते हैं उसको.
तो इसलिए उसको ऑफर बोलते हैं। तो जैसे वो शेयर सेकेंडरी मार्केट क्या, जब वो शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाता है वो सेकेंडरी मार्केट, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जब वो आ जाता है उसके बाद में डिस्काउंट देना पड़ता है उसको। लाइक 1,000 का शेयर था तो उसने डिस्काउंट करा और वो शेयर दिया आपको 950 में, 50 रुपये का डिस्काउंट है अगर आप IPO में इस शेयर को लेते हैं तो, प्राइमरी मार्केट में लेते हैं तो। हमने प्राइमरी मार्केट, ये होता है प्राइमरी मार्केट जहाँ आपको डिस्काउंट मिल रहा है। अब क्या होता है, हमने वो IPO भरा, 15,000 रुपये का IPO भरा हमने। भरने के बाद में जब हम भरेंगे ये IPO तो 7 डेज का पीरियड होता है, 7 वर्किंग डेज का पीरियड है। 15,000 आपने लगाए हुए हैं, अब 15,000 में, 15,000 आपने लगाए हैं, 15,000 को आपके बैंक अकाउंट से लगाना है। कोई भी व्यक्ति किसी के भी बैंक अकाउंट से लगा सकता है, पर बस आपको आपका डीमैट अकाउंट नंबर पता होना चाहिए। लगाने के बाद क्या होता है, जैसे ही आपने IPO लगाया है तो आपका बैंक में जो पैसा है वो कटता नहीं है, बैंक लॉक कर लेता है। इसको बोलते हैं असबा, ASBA, असबा, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट, अमाउंट ब्लॉक कर दिया। क्यों, बैंक ने बोला शेयर मार्केट को फायदा हो रहा है, कंपनी को फायदा, मुझे क्या फायदा। तो सेबी ने बोला कि बैंक को 7 डेज के लिए ये पैसा मिल जाएगा, हम उस पैसे को निकाल नहीं सकते, 7 डेज बैंक ब्लॉक रखता है, इसलिए इसको अजबा बोलते हैं। अजबा जब हम लगा देते हैं 7 दिन बाद, जैसे आज आज या कल कभी भी एक डेट ले लेते हैं, इस दिन ये IPO लिस्ट होने वाला है, लिस्ट मतलब अब वो सेकेंडरी मार्केट में आने वाला है। तो जब जिस दिन वो सेकेंडरी मार्केट में आता है उस दिन 10 बजे आता है सुबह, 10 बजे उस लिस्ट होने के बाद उसके जो नाम है वो शेयर मार्केट की लिस्ट में जुड़ जाता है। जुड़ गया, अब मोस्टली IPO में फ़ायदा होता है, 90% आपको IPO में फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अगर कंडीशन ख़राब हो मार्केट की, जैसे अभी, तो अब हम कुछ कह नहीं सकते, वैसे प्रॉफिट होता है। अब प्रॉफिट हुआ आपको, आपने वो शेयर लगाया, अब क्या होगा, 950 का शेयर था, अब वो बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि कंपनी ने उस पैसे से बिजनेस करा है, बिजनेस करा है, रेपुटेशन बढ़ी, रेपुटेशन बढ़ी तो उसकी वैल्यू, उस ब्रांड की वैल्यू इंक्रीज हुई। जैसे ही ब्रांड की वैल्यू इंक्रीज हुई तो उसकी प्राइस मनी बढ़ेगी। 950 की जगह एग्जाम्पल लेते हैं 1,000 हो गया, 1,050 हो गया, 100 रुपये पर शेयर बेनिफिट है। तो मोस्टली आप उस शेयर को बेच दीजिए ताकि आपको प्रॉफिट हैंड टू हैंड मिल जाए। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसको होल्ड करूं तो होल्ड भी कर सकते हैं आप, पर मेरा सजेशन यही है कि कुछ शेयर आप होल्ड करें और कुछ शेयर आप बेच दें, ताकि अगर प्रॉफिट होगा आपका तो हैंड टू हैंड हो जाएगा, और अगर मार्केट अनसर्टेन चल रहा है अभी तो कुछ प्रॉफिट लॉस वैल्यू कम ज़्यादा होती रहती है। तो ये है IPO का फंडा, बेसिकली बहुत सेफ है, इसे समझिए और IPO लगाइए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अकाउंट खुलाना है, डीमैट अकाउंट, तो फ्री अकाउंट है, उसकी डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक में दी गई। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू।